टीचेरा में आपका स्वागत है दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपको कुछ भी डाउट हो तो हमें 7410000 इस नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट हमें पहुंचा सकते हो। जिस तरह से देखो प्रवीण टीचेरा नाम का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए। उस एप्लीकेशन में हर दिन आपको नए नए वीडियो, टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसमें सबसे जैसा व्हाट्सएप जैसा एक ग्रुप बनाया है या टेलीग्राम जैसा एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप कौन सा भी क्वेश्चंस आपका आपके कोई भी डाउट्स हो डाल सकते हो। वो डाउट्स वो क्वेश्चंस ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। मतलब आपके प्रिपरेशन में ओवरऑल इंडिया आपके लिए क्या करता है, इधर दोस्त आपके दोस्त मदद करते हैं। तो जो टीचर आए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इसमें आपको नए नए वीडियो, टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेंगे दोस्तों। चलो आज हम देखते हैं, जैसे कि टीचर का एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आज हमें एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि डिफेंस के कुछ एग्जाम हो गए, एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया या अदर कुछ गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, तो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में हमें क्या पूछा जाता है दोस्तों, भारतीय किताबें और उनके लेखक, ठीक है। भारत के कौन से किताब के कौन से लेखक है ये हमें क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि भारतीय किताबें और उनके लेखक हमें पूछे जाते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंस किताबें हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो उसमें हम उसके बारे में हम देखते हैं। जो पहला किताब कौन सा है, अर्थशास्त्र। कौन सा किताब है, अर्थशास्त्र। किसने लिखा था, चाणक्य ने। किसने लिखा था आपको पता ना, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के गुरु कौन हुआ करते थे, चाणक्य, बराबर है। चाणक्य के तीन नाम से जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। उनका किताब क्या, किताब का नाम क्या था, अर्थशास्त्र। अगर किताब का नाम भी अर्थशास्त्र रहा लेकिन उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी, अर्थशास्त्र की रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। दूसरा किताब देखो दोस्तों, अष्टाध्यायी। कौन सा किताब है, अष्टाध्यायी, पाणिनी ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है, पाणिनी ने। और आपको पता है संस्कृत ग्रामर की पहली किताब है कौन सी, अष्टाध्यायी, जिसमें संस्कृत ग्रामर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो आपको जिस तरह से हर एक लैंग्वेज के पाणिनी पूछे जाते हैं, मराठी के पाणिनी, उर्दू के पाणिनी या तेलुगु, तमिल, आंध्र के पाणिनी, इस तरह से हमें क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बुक है दोस्तों इंडिका। कौन सा पुस्तक है, इंडिका। भारत के बारे में सबसे पुराना किताब है ये, जो एक विदेश ने, एक फॉरेनर व्यक्ति ने लिखा था। किसने लिखा था, मेगास्थित ने लिखा था। मेगास्थित के बारे में काफी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जिसे बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दो किताब है, मेघदूत, फेमस किताब है मेघदूत, ठीक है, मेघदूत और कुमार संभम, ठीक है। किसने लिखा था, महाकवि कालिदास ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों, महाकवि कालिदास ने लिखा था। कालिदास जी ने इसके बाद भी काफी किताबें लिखी हुई है, ठीक है। ये दिखा हुआ है आपको, कौटिल्य का अर्थशास्त्र दिखा हुआ है, ये किताब जो दिखाई अर्थशास्त्र दिखाई है। नेक्स्ट किताब सबसे इंपॉर्टेंट है, बम का दर्शन, भगवती चरण बोहरा इन्होंने लिखी हुई है। बम का दर्शन ये आपको दिख रही होगी, ये है बम का दर्शन, ठीक है। अभिन्या न कुल शम, ठीक है, ये भी एक किताब लिखी हुई है, कालिदास ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है, कालिदास ने लिखी हुई है। इस किताब में भी क्या इंफॉर्मेशन दी है, हम जब कालिदास के बारे में पढ़ेंगे या प्राचीन किताबों के बारे में पढ़ेंगे तो और इंफॉर्मेशन मिलाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुछ किताबें देखते हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है, मुद्रा राक्षस ये किताब किसने लिखी है, विशाखा दत्त ने लिखी है। ये दिख रहे आपको मुद्रा राक्षस किताब याद ही हुई है, ठीक है। हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ वीएस नायपॉल ने लिखी हुई है, वीएस नायपॉल ने लिखी हुई है ये किताब है। हाफ एस नायपॉल लिखी हुई है। कामसूत्र कौन सी किताब है, कामसूत्र वात्सायन ने लिखी हुई है। देखो ये किताब दिख रही है आपको, कामसूत्र, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे सकता, ठीक है। नेक्स्ट राज तरंगिनी, ठीक है, कल्लन ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है, कल्लन ने। और इस किताब में राज तरंगिनी किताब में किसकी हिस्ट्री दी हुई है, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री दी हुई है। अगर हमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस किताब में जम्मू कश्मीर का इतिहास के बारे में दिया है, तो कौन सा पुस्तक है दोस्तों, या कौन सी किताब है दोस्तों, राज तरंगिनी ये किताब है, ठीक है। देखो नेक्स्ट किताब देखते हैं, हर्षचरित्र। हर्षचरित्र एक महान राजा हो चुका है इंडिया का, मध्य भारत में, पता है ना, हर्षवर्धन, उसका जो राजकवि था बाणभट्टा, उसके राजकवि का नाम क्या था दोस्तों, बाणभट्टा। और बाणभट्ट ने एक किताब लिखी थी राजा के ऊपर, राजा का जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसे क्या कहते हैं, हर्षचरित। क्या लिखते हैं दोस्तों, हर्षचरित। हर्षचरित का एक मध्ययुगीन इतिहास एक चैप्टर हमें पढ़ना है आगे जाके वो, ठीक है। नेक्स्ट पंचतंत्र गीत,
गोविंद, पंचतत्र तीत गोविंद, ये लास्ट वाली किताब आपको दिख रही हुई, जयदेव ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? जयदेव ने लिखी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जो किताब के बारे में हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट किताब देखते हैं कौन सी है। देखो ये भी सबसे इंपॉर्टेंस, मेरी लाइफ की सबसे मोटिवेशन लाइन, मेरी लाइफ की सबसे मोटिवेशन लाइन इस किताब में दी हुई है, पृथ्वीराज राज रासो, पृथ्वीराज रासो इस किताब में दी हुई है। ये पृथ्वीराज रासो, और किसने लिखी हुई है? महाकवि चंदभद्रई, चंदभद्रई इसने लिखी हुई है। और आपको पता है जब पृथ्वीराज चौहान और गुरी का युद्ध हुआ था, ठीक है, तब 1191 और 1192 इन दो सालों में हुआ था। इसे हम तराई का तराई वॉर कहते, वॉर ऑफ तराई कहते हैं। आपको यह पता होगा तराई वॉर फर्स्ट, तराई वॉर सेकंड। अब इसमें दो हिस्ट्री या दो थ्योरम चलते दोस्तों। पहली थ्योरी ऐसी चलती है कि घुरी के हाथों चंद्रगुप्त पृथ्वीराज सेकंड मारे गए, और दूसरी थ्योरी ऐसी कहती है कि पृथ्वीराज को घुरी कहाँ लेके गया था? अपने देश लेके गया था। फिर वहां उन्होंने घुरी ने पृथ्वीराज के आंखें निकाल ली, फिर पृथ्वीराज ने सात घड़ियाल में से तीर लगा के घुरी को क्या किया था? मार डाला था। जब सात घड़ियाल में से तीर निकाल के घुरी को मार डाला था, तब पृथ्वीराज की आंखें निकाली हुई थी, तो पृथ्वीराज और घुरी के बीच की जो अंतर है, दूरी है, जो इंफॉर्मेशन दी थी किसने दी थी? चंदभद्रई ने दी थी। और इसमें लिखा था 7 गज 24 गज ताव पर सुल्तान मच्छुक चौहान, ठीक है। मेरी लाइन, मेरी लाइफ की सबसे मोटिवेशन लाइन इस किताब में आई हुई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्पीड पोस्ट, नेक्स्ट बुक कौन सा है? स्पीड पोस्ट कौन, किसने लिखा है? शोबाडे। किसने लिखा हुआ है? ये दिख रहा है आपको स्पीड पोस्ट, शोबाडे ने लिखा हुआ है। शाहनामा, शाहनामा फिरदोसी, किसने लिखा है? फिरदोसी ने लिखा है शाहनामा। आईने अकबरी, ये आईने अकबरी अब्दुल फजल ने लिखा हुआ है। आईने अकबरी किसने लिखा हुआ है? अब्दुल फजल ने लिखा हुआ है। अकबर के बारे में इंफॉर्मेशन इस किताब में दी हुई है, ठीक है। और अब्दुल फजल पता है आपको, तो काफी विद्वान हुआ करता था अब्दुल फजल। एनसीईआरटी की अगर बुक पढ़ोगे तो अब्दुल फजल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की किताबों में दी हुई है। काव्य मीमांसा कौन सी किताब दोस्तों? काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखी हुई है। काव्य मीमांसा किताब किसने लिखी हुई है? राजशेखर ने लिखी हुई है। बाबरनामा, बाबर ने लिखी हुई है। बाबरनामा, बाबर ने लिखी हुई है। ये बाबरनामा दोस्तों, बाबर ने लिखी हुई है। बाबरनामा किताब किसने लिखी हुई है? बाबर ने। मुझे आप कमेंट करके बताना है बाबरनामा ये जो किताब थी कौन सी लैंग्वेज में थी। आप मुझे क्या कमेंट करके बताने वाले हो? बाबरनामा ये किताब कौन से लैंग्वेज की थी? आई होप यहां तक वीडियो पॉज करना है, हर एक किताब लिख के लेना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। नेक्स्ट है अकबरनामा, कौन सी किताब है? अकबरनामा दिख रही होगी, ये किताब है अकबरनामा, अब्दुल फाजल ने लिखी हुई है। अकबरनामा किसने लिखी हुई है? अब्दुल फाजल ने लिखी हुई है। यही है बाबरनामा, यही। और अकबर फाजल ने और एक अकबर किताब लिखी थी, कौन सी? आईना है अकबर। ऐसी दो किताबें लिखी हुई थी अब्दुल फाजल ने। एनसीईआरटी पढ़िए, अब्दुल फाजल के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। हुमायून नामा कौन सी किताब है? नेक्स्ट हुमायून नामा गुलबदन बेगम ने लिखी हुई है। ये हुमायून के बारे में, हुमायून की बायोग्राफी है, और उसकी सिस्टर हुमायून की बहन कौन? गुलबदन बेगम इसने लिखी हुई थी। और ये भी कौन सी लैंग्वेज में आप मुझे बताना है, क्योंकि हुमायून पढ़ा लिखा था या नहीं? हाँ तो पता होगा आपको। मिलन पानो, मिलन पानो किसने लिखा हुआ है? नागसेन ने लिखा हुआ है। दो दोस्तों के मिलने की इंफॉर्मेशन इसमें क्या हुई है? दी हुई है। किसमें? मिलन पानो में, ठीक है, नागसेन ने दी हुई है। एक था राजा मिलिंद और दूसरा कौन था? आप मुझे कमेंट करके क्या करने वाले हो, बताने वाले हो, थोड़ा बहुत आप भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित्रम, नेक्स्ट किताब कौन से दोस्तों? बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने लिखी हुई है, ठीक है। पाथेर पांचाली भूषण बंडोपाध्याय ने लिखी हुई है, और मालगुडी डेज गाइड, ऐसे ये दो किताबें आर के नारायण इन्होंने लिखी हुई है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट किताबें के बारे में कुछ देखते हैं दोस्तों। देखो विनय पत्रिका, विनय पट्टिका नहीं है दोस्तों, विनय पट्टिका नाम की एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड किताब है। हम ये जस्ट ओवरलुक किताब देख रहे हैं, फिर हम धर्म वाइज भी कुछ किताबें देखेंगे। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ किताबें, जैन धर्म से रिलेटेड कुछ किताबें, हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ किताबें, ये भी किताबें हम आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। तो विनय पत्रिका किताब जो थी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, ठीक है। भारत भारती साकेत किसने लिखी थी? मैत्री शरण गुप्त। आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो बड़ा नाम है मैत्री शरण गुप्त का, ठीक है। उसके बाद यामा, कौन सी किताब? यामा
महादेवी वर्मा इन्होंने लिखी हुई थी। वंदे मातरम ये भी पता है ना, बैकिम चंद्र चैटर्जी, ये क्या थी, एक नोबेल थी। इससे जनगण मन या वंदे मातरम क्या लिया गया है मुझे आप कमेंट करके बताने वाले हो, ठीक है। सूर्य का सातवां घोड़ा, सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती इन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी, धर्मवीर भारती। यंग इंडिया, ये किताब हमेशा पूछी जाती है, यंग इंडिया किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी। क्या करना है आपको दोस्तों, क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करना है, किताबें लिख के लेना है और बार बार करना है, क्योंकि रेलवे हो गया, डिफेंस के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम हो गए, दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो गए, एनटीपीसी हो गए, इस तरह के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन पेड वीडियो में है, आपको ए टू जेड पेड वीडियो में पढ़ाया जाता है। आपको चाहो तो आप 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के पेड वीडियो के कोर्सेस क्या कर सकते हो दोस्तों, परचेस कर सकते हो। आपको जो भी पॉइंट नहीं आ रहा है उसका कोर्सेस आपको 100 रुपए 50 रुपए 1000 रुपए तक के कोर्सेज आपको मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट किताब है लाइफ डिवाइन। कौन सी किताब है दोस्तों, लाइफ डिवाइन है, अरविंद घोष ने लिखी हुई थी। किसने लिखी हुई थी, अरविंद घोष ने लिखी हुई थी, डिवाइन लाइफ। काफी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों का लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ में, बच्चों का क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ में। डिवाइन लाइफ किसने लिखी हुई है, शिवानंद ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है, शिवानंद ने लिखी हुई है। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, यानी क्या इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू ने लिखी हुई है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है। ये किताब दिख रही है आपको, भारत एक खोज, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हर एक बच्चे का कंफ्यूजन हो जाता है। और ये किताब देखो क्या है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुनः भारत एक खोज, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी पुनः भारत एक खोज। ये किताब मेघना देसाई ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है दोस्तों, मेघना देसाई ने लिखी हुई है। इंटरनल इंडिया माय टूथ, इंटरनल इंडिया माय टूथ इंदिरा गांधी ने लिखी हुई है, ठीक है। तसाम भीष्म सहानी ने लिखी हुई है ये किताब, ठीक है। आपको क्या करना है, मेरी स्पीड से स्पीड मैच करनी है, वीडियो पॉज करना है, वो किताब लिख लेनी है। आपको इस तरह का कुछ स्टैटिक जीके प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये वाली किताब, इंडिया मींस फ्रीडम और ये हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। भारत के पहले कौन से मंत्री, आप मुझे कमेंट करने वाले हो, और उनके नाम से हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते, ये भी आप मुझे क्या करने वाले हो दोस्तों, कमेंट करके बताने वाले हो, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की किताब है। देखो अखंडित भारत, ठीक है, खंडित भारत, ये किताब किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की है। गीतांजलि हो गया, गोरा हो गया, ऐसी किताबें किन की है, रविंद्रनाथ टागोर। और गीतांजलि की किताब से ही क्या लिया गया है, जनगण मन, क्या लिया गया है दोस्तों, जनगण मन लिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ये किताब है, आपको दिख रही होगी, गोदान, काफी बड़ा नाम है ये, हम जब कॉलेज में थे या स्कूल में थे तब पढ़ा करते थे, गोदान गबन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद। उत्तर भारत में ये काफी बड़े लेखक के रूप में जाने जाते हैं, कौन, मुंशी प्रेमचंद जी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी किताब है, महात्मा गांधी की। किसकी किताब है, महात्मा गांधी की। विंग ऑफ द फायर, विंग ऑफ फायर यानी एपीजे अब्दुल कलाम, इनका क्या है वो ऑटोबायोग्राफी है, एपीजे अब्दुल कलाम इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, आपको दिख रही होगी विंग ऑफ फायर। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। वीडियो पॉज कीजिए, हर एक किताब लिख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट कुछ किताबें हम देखते हैं दोस्तों, और क्या है, इंट्रीगेट माइंड्स, और एक किताब है अब्दुल कलाम साहब की, इंट्रीगेट माइंड, एपीजे अब्दुल कलाम। माय प्रेसिडेंशियल ईयर, आर वेंकटरमन, पता है भारत के राष्ट्रपति हो चुके ना आर वेंकटरमन, तो उनकी जब वो राष्ट्रपति थे तो उस समय की इंफॉर्मेशन इस किताब में दी हुई है। हितोपदेश, नारायण पंडित इन्होंने, इनकी किताब है, नारायण पंडित, अ सूटलेस बॉय विक्रम सेठ इनकी किताब है। मालती माधव, कौन सी किताब दोस्तों, मालती माधव, ठीक है। बहुभूति इनकी किताब है, अ पैसेज टू द इंग्लैंड, अ पैसेज टू इंग्लैंड, निदर्शी चौधरी इनकी वो किताब है। ट्रेन टू द पाकिस्तान, काफी फेमस किताब है ये, पढ़नी चाहिए, ट्रेन टू द पाकिस्तान, ठीक है। ये किताब किसकी है, खुशवंत सिंह की है। मुझे आप कमेंट करके और बताने वाले, खुशवंत सिंह के पास कोई मंत्रालय था या नहीं, जब बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार जब थी, अटल बिहारी वाजपेयी जब पंतप्रधान थे, तो खुशवंत सिंह के पास कोई मिनिस्टर थे या नहीं, ये आप मुझे क्या करने वाले हो, कमेंट करके बताने वाले हो दोस्तों।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ देखते हैं दोस्तों। सो इस वीडियो में जो मेंस किताबें हैं हमेशा पूछी जाती है वो किताब हमने देख ली है। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में तो हमें कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर टीचर आप।